मैं हूँ रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं रमेश बकोत्रा व्लॉग से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 का फ्रीजर टेस्ट। तो इसका वाटर टेस्ट तो हमने कर लिया है, और कितने लोगों के मन में ये रहता है कि वाटर टेस्ट में तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वाटर टेस्ट में तो या तो आप 10 मिनट रखते हैं या तो आप 15 मिनट रखते हैं, पर इसमें हम फ्रीजर में तब तक रखेंगे जब तक इसमें इसके आसपास बर्फ जम जाएगा। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं बॉक्स को, और ये हमारे पास वाइट कलर है दोस्तों। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो 72,000 इसकी प्राइस है स्टार्टिंग वेरिएंट की। इसमें आपको 8 GB 128 GB मिलेगी, और इस फोन को IP68 वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। पर ये फोन आपसे पानी में गिर जाए तो कुछ डरने की बात नहीं है दोस्तों। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो पूरी तरह वर्किंग है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए दोस्तों। नहीं तो कितने लोगों की अभी रहती है कि आपने ये डमी पीस रखा है ये सब, तो वो भी आपका क्लियर हो गया, तो पूरी तरह वर्किंग है। तो दोस्तों, अभी हम इसको पानी के बॉक्स में रखते हैं, और दोस्तों ये रहा पानी, तो अभी हम पानी डालते हैं। तो दोस्तों, हमारा बॉक्स पूरी तरह पानी से भर गया है, और हम इसको अभी फ्रीजर में रखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फ्रीजर, और ये रहा हमारा बर्फ का कंपार्टमेंट, और यहाँ पर हमने फोन को रख दिया है। और अभी टाइम हुआ है 11:11 हुई है। तो अभी हम इस फोन को शायद हम इस फोन को उल्टा कर देते हैं, और इस फोन को हम 4 घंटे तक रखेंगे पानी में। दोस्तों, पूरी तरह हमारा अभी फोन बर्फ के कंपार्टमेंट में रह गया है, तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये हमने ऑफ कर दिया है, और हम फुल कर देते हैं। तो ये हमने फुल कर दिया है ताकि जल्दी बर्फ जम जाए, और ये हमारा ऑफ हो गया है। तो अभी हम इस फोन को 4 घंटे बाद निकालेंगे दोस्तों, तो कैसा रिजल्ट है, क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, अभी 3 बज गए हैं, तो मोबाइल को फ्रीजर में रखे हुए 4 घंटों के ऊपर हो गया है 10 मिनट। तो अभी हम फ्रिज का डोर ओपन कर लिया है, और ये रहा फ्रीजर। तो देखिए हमारा फोन तो पूरी तरह बर्फ से जम गया है फोन, और यहाँ पर देखिए एलवेजोन डिस्प्ले स्टार्ट है। तो अभी ये ऑफ कर देते हैं। तो अभी हम फोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह बर्फ से जम गया है, देखिए दोनों तरफ से देखिए पूरी तरह बर्फ का कवर्स बन गया है। तो पूरे 4 घंटे तक फ्रीजर में रहा। तो अभी हम धीरे धीरे बर्फ में से निकालेंगे इनको। तो धीरे धीरे अभी बर्फ में से निकल रहा है हमारा फोन। तो देखिए दोस्तों, अभी यहां पर कैमरे पर बर्फ रहा ओनली फॉर, बाकी सभी जगह से निकल गया है। तो पूरी तरह बर्फ से अभी निकल गया है हमारा फोन दोस्तों। अभी हम इसका वर्किंग देखेंगे कि क्या वर्किंग है क्या नहीं। तो दोस्तों, हमारा फोन पूरी तरह वर्किंग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है इसको। टच भी पूरी तरह काम कर रहा है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है हमारे फोन को। तो 4 घंटे वो पानी के अंदर रहा, और अभी हम कैमरा देख लेते हैं। तो कैमरा भी पूरी तरह स्टार्ट है, तो हमारे फ़ोन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह वर्किंग है ये फ़ोन। तो दोस्तों, इस फ़ोन को इतने पानी में रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और कंपनी जो लिखती है वो 30 मिनट का लिखती है, पर हमने 4 घंटे रखा तो 4 घंटे में भी कुछ नहीं हुआ। कई लोग सेकंड हैंड फ़ोन लेते हैं, तो आपने अगर सेकंड हैंड फ़ोन लिया तो उसको वाटर प्रूफ ना समझिए। उसका कारण है कि अगर उसने कहीं पर भी बिना सर्विस स्टेशन के ओपन करवाया होता है तो वो वाटर प्रूफ नहीं रहता है। हाँ, आपने नया फ़ोन लिया है तो वो परफेक्टली वाटर प्रूफ है, पर
आपने अगर ओल्ड फोन लिया है तो उसको आप वाटरप्रूफ ना समझिए। दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारी मेन चैनल रमेश बोकोत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये हमारी रमेश बोकोत्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।